हम हैं बागी राजकुमार, अदावत उसकी रजवाड़े वाली आदत, बगावत उसके राजपूता घराने के खून में, लोकतंत्र के सबसे मजबूत राजघराने की करते हैं बात, जहां राजमहल का फरमान ही नियम है। जी, आज भी एक ऐसा किला और एक ऐसी कोठी जहां भी दरबार लगता है। राजशाही खत्म हो गई तो क्या हुआ, यहां तो वही होता है जो किला कहता है। इस किले का एक राजा भी है, लेकिन हुक्म राजकुमार का चलता है। अगर किसी ने गलती से भी हुक्म उदूली कर दी तो फिर अंजाम ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं यहां किला ही कोर्ट है, वही जज, वही वकील, और उसकी ही दलील सुनी जाती है। यहां जिसको भी न्याय चाहिए वो आज भी इसी दरबार में अर्जी लगाता है, जहां तारीख नहीं तुरंत होती है सुनवाई। प्रतापगढ़ कभी राजे, रजवाड़ों, रियासतों का गढ़ रहा। यूं समझ लीजिए कि यहाँ की मिट्टी, माहौल और मिजाज के मूल में ही अक्खड़पन और मनमानेपन का राज रहा। कोई कितना भी दावा कर ले कि देश से राजशाही खत्म हो गई, लेकिन यहाँ के एक हिस्से में अब भी एक राजकुमार का राज चलता है। कहते हैं कि यहाँ उसकी मर्जी के बिना ना तो पत्ता डोलता है और ना ही सत्ता चलती है। और हाँ, अगर मगर किया तो मगरमच्छ थ्योरी भी है। हालांकि ये कितना सच है वो तो वही जाने, पर जिस पर इसका इल्जाम है, एक जमाना था जब उसे कुंडा का गुंडा कहा गया। लेकिन ये सत्ता और सियासत का खेल नहीं, खिलवाड़ कहिए कि कब किसे गुंडा से माननीय और मंत्री तक बना दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति के अपराधीकरण के सबसे मजबूत किले के इस राजकुमार का नाम है रघुराज प्रताप सिंह। राजनीति के अंडरवर्ल्ड का यह किरदार दुनिया के लिए वो राजा भैया है। जी हाँ, वही माननीय राजा भैया जिसकी दास्तां दिलचस्प है, लेकिन दहशत और वहशत से भरपूर। वो भद्री राजघराने का राजकुमार है। रफ्तार उसकी पसंद नहीं, पैशन है। घुड़सवारी का तो वो दीवाना है। दीवानगी ऐसी कि पसलियां टूटी लेकिन घुड़सवारी नहीं छूटी। वो हाथी, घोड़े, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक उड़ाता है। और बुलेट तो उसकी जान है, चाहे सड़क पर चलने वाली बुलेट हो या किसी की जान लेने के लिए सीने पर चलाई जाने वाली बुलेट। वो निशानेबाजी और बंदूकों का भी शौकीन है, लेकिन किसी का शार्प शूटर नहीं। वो खुद से और खुद का राजा है। उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता, क्योंकि वो खुद सब पर हुक्म चलाता है। उससे सभी खौफ खाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने पिता से डरता है। वो खुद कम बोलता है, लेकिन उसके सामने अच्छों अच्छों की बोलती भी बंद हो जाती है। वो आज भी आलीशान और राजशाही जिंदगी जीता है। रियासत उसे विरासत में मिली, लेकिन उसने सियासत को अपनी विरासत बना लिया। और वो 28 साल से लगातार जीतता चला आ रहा है। हारना तो जैसे वो जानता ही नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि जीत ने उसे जुनूनी बना दिया, और वो जीतता बस जीतता चला गया। और फिर यहीं से शुरू हुआ एक राजकुमार के बाहुबली और दबंग राजा भैया बन जाने की कहानी। यह कोई 50 का दशक रहा होगा, जब ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के बाद रियासतों की आजादी भले ही छिन गई, लेकिन उनका रसूख और रौब कोई नहीं छीन पाया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और इलाहाबाद इलाके में भी छोटी बड़ी करीब 5 रियासतें थीं, जो आजादी के बाद कमोबेश कांग्रेस का ही गढ़ रही, और कुंडा भी उससे अछूता नहीं था। कुंडा की भद्री रियासत के तबके राजा बजरंग बहादुर सिंह थे, जो राजा भैया के दादा थे। बजरंग बहादुर सिंह 1955 से 1963 तक आज के हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल रहे। वहीं 1962 से 1989 के बीच दो टर्म छोड़ दें तो कांग्रेस के नियाज हसन कुंडा सीट से विधायक बनते रहे। वहीं 1991 की राम लहर में भाजपा के शिव नारायण मिश्रा ने कुंडा सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन कहते हैं भद्री रियासत में राजा उदय प्रताप सिंह के उदय के साथ ही इसकी भावनाएं विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़ती चली गईं। हालांकि इस रियासत और राजघराने का राजनीति से कोई नज़दीकी नाता नहीं था। जबकि प्रतापगढ़ के काला कांकर के राजा दिनेश सिंह और पास के ही इलाहाबाद के मांडा राजघराने के विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति में तूती बोलती थी। दोनों कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। हालांकि बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से अलग हुए और जनता दल से जुड़कर और बहुतों को जोड़कर खुद प्रधानमंत्री की गद्दी तक भी पहुंचे। जबकि भद्री राजघराना अब तक प्रत्यक्ष के बजाय परोक्ष यानी पर्दे के पीछे से
राजनीतिक मुहरे चलने में मस्त था। वैसे तो राजा भैया के जन्म के साल को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बताते हैं कि उनकी पैदाइश 1967 में हुई। अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, तभी देश की राजनीति बदलाव और उठापटक के दौर से गुजर रही थी। कांग्रेस पहली बार राजनीतिक कटघरे में खड़ी थी। समय के साथ देश ने सत्ता और सियासी बदलाव देखे। यही कोई 80 से 90 के दशक का दौर रहा होगा, जब भद्री रियासत का भद्र राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह उस समय इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक पढ़ाई में मशगूल था। लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, देश और उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल की राजनीति के कारण उथल पुथल का दौर था। सत्ता से लेकर सियासत तक सभी नौजवानों की ओर देख रहे थे। आखिर बदलाव की डगर उन्हीं के बूते तो बुनी जाती है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जैसे तैसे कांग्रेस की सरकार देश में तो बन जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी बदलाव का वो हाइब्रिड बीज पड़ चुका था जो बार बार मानो नए तरह की सत्ता और सियासत पैदा कर रहा था। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में तब बहुत कुछ बदल गया था। पहली बार प्रदेशों में सत्ता में आई भाजपा की सरकारें भी गिरा दी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार भी थी। अब 1993 में फिर से चुनाव होना था। इधर लखनऊ विश्वविद्यालय से मिलिट्री साइंस और मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाई करने वाले भद्री रियासत के राजकुमार राजा भैया सियासत में एंट्री मारने के लिए स्ट्रेटजी तैयार कर रहे थे। जिस राज परिवार ने अब तक राजनीति से दूरी बना रखी थी, राजा भैया अब उसके पास आने के लिए जैसे छटपटा रहे हों, और इसकी तस्दीक उनकी उम्र भी कर रही थी। राजा भैया तब किसी तरह 25 साल के हुए थे और चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल बॉर्डर वाला हिसाब किताब था। कहते हैं कि तब राजा भैया के लिए उससे भी बड़ी बाधा उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह थे, जो हरगिज नहीं चाहते थे कि उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में उतरे। मगर तब राजा शायद एक राजकुमार की जिद और जुनून के आगे खुद भी जज्बाती हो गया था, और उन्होंने उसे अपना आशीर्वाद तो दे दिया। हालांकि राजा भैया को इसके लिए पहले उनके पिता उदय प्रताप सिंह के गुरु से अनुमति मांगने के लिए बेंगलुरु तक का सफर तय करना पड़ा, और जब एक बार परिवार का आशीर्वाद राजा भैया को मिल गया तो फिर जनता उन्हें बार बार आशीर्वाद देने लगी। 1993 का चुनाव राजा भैया ने निर्दल लड़ा और कभी कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले कुंडा के किले को फतेह कर लिया। हालांकि कुंडा में कांग्रेस का किला 1991 के राम लहर में भाजपा ने ही ढा दिया था, जिस पर निर्दलीय राजा भैया ने 1993 में अपनी पताका फहरा दी। घोड़े पर बैठकर हवा से बात करने वाला, बुलेट में रफ्तार का कांटा चरम तक पहुंचाने का शौकीन, सिर्फ 25 साल की उम्र का एक नौजवान जिसकी रगों में राजघराने का रक्त दौड़ रहा हो, जिसे बचपन से संगीनों के साय का शौक हो, जिसे हर बाजी जीतने की लत हो, वो इतनी छोटी उम्र में विधायक बन जाए तो फिर उसकी महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी होंगी ही। वैसे भी राजा भैया उत्तर प्रदेश के जिस इलाके की पौध है, वहां राजनीति धन बल और बाहुबल की आगोश में पनपती और पलती है। राजा भैया के पास ये दोनों यानी धन और बल पहले से ही मौजूद था। फिर क्या, जब एक बार सियासत में उतर गए तो फिर गुजरे जमाने की राजशाही शानो शौकत की यादें भी मानो ताजी हो गई। जनता दरबार के दौर में भी पिता राजा उदय प्रताप सिंह का अपना दरबार तो लगता ही था। अब राजकुमार राजा भैया का अलग राज दरबार सजने लगा, जहां सियासी गलियारे से लेकर आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई होने लगी। रफ्तार का राजकुमार, जिसे कभी तूफान सिंह के नाम से भी बुलाया जाता था, वो सियासत में भी अपनी तूफानी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ देने पर जैसे आमादा था। कुंडा प्रतापगढ़ जिले की एक तहसील है दिलेरगंज, लेकिन यहाँ के तख्तोताज पर अब राजा भैया का राज था। यहाँ की कोई भी घटना या वारदात होती तो प्रत्यक्ष नहीं तो भी परोक्ष तौर पर उनका नाम आ जाता। 1995 में दिलेरगंज कांड में मुस्लिम समुदाय के करीब 20 घरों को जलाने से लेकर हत्या तक के मामले में उनके करीबियों का नाम उछला। दबंगई का आलम यह था कि पानी भी पास में था, लेकिन आग को जो बुझाता वो राजा की बदले की आग का शिकार हो जाता। जो घर धू धू कर जल रहे थे, वहां से सिर्फ कुछ ही दूरी पर तालाब था, लेकिन कहा गया कि वहां पानी की सुविधा नहीं थी, इसीलिए घरों को जलने से बचाया नहीं जा सका। तब ये कांड काफी सुर्खियों में रहा।
राजा भैया की दबंगई और बाहुबल की चर्चा अब कुंडा के चौक चौराहों की सीमा लांग लखनऊ के सत्ता और सियासी गलियारे में गूंज रही है। उत्तर प्रदेश में ये दौर ही ऐसा था कि बाहुबलियों की शान में कसीदे काढ़े जाते थे। उस इलाके में कुंडा ही नहीं, आसपास की सीटों पर भी राजा भैया अपने समर्थकों के बीच वीरता और बाहुबल का प्रतीक बन गए और किसी के लिए आतंक का धन बल के साथ रहस्य और भय का एक सम्मोहिनी वातावरण तैयार हुआ और राजनीति में इस राजकुमार का सिक्का चलने लगा। 1993 से 1995 का दौर, जब उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल की सियासत ने लखनऊ में नई सियासी चेहरों और चरित्र को ऐसा गढ़ा था, इससे निकले नेता हर दिन मौका परस्ती के नए मुकाम हासिल कर रहे थे और उनकी हसरत सिर्फ यही कि बस किसी तरह सत्ता मिले या सत्ता के साथ रहे। इधर कुंडा के इलाके में भी अचानक हुए सियासी उलटफेर ने यहाँ के भूगोल को तो नहीं लेकिन इतिहास को बदल ही दिया था। शायद यहीं से राजा भैया ने भांप लिया था कि राज करना है तो फिर राजनीति तो करनी ही पड़ेगी और राजनीति तभी संभव है जब मौके और माहौल के हिसाब से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा सके। शायद इसी सोच ने घोड़े की लगाम को हमेशा कसकर रखने वाले राजा भैया को बेलगाम कर दिया। जानकार बताते हैं कि बस यहीं से विरोध और चुनौती नाम का शब्द राजा भैया की डिक्शनरी से डिलीट होता चला गया। यहां तक कि कई स्थानीय खबर नवीस भी नाम न छापने की शर्त पर ही राजा भैया के बारे में मुंह खोलते हैं। शायद उन्हें यह डर सताता है कहीं वे खुद अखबार के किसी छोटे से कोने में न छपकर रह जाए। इसी बीच अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद 1993 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीत कर भी बीजेपी हार गई थी और सरकार सपा और बसपा ने मिलकर बनाई थी, लेकिन जून 1995 में मौका मिला तो भाजपा ने मायावती के कंधे पर बंदूक रखकर मुलायम को ऐसा जख्मी किया कि तिलमिलाए मुलायम एंड कंपनी ने लखनऊ गेस्ट हाउस जैसा कांड नहीं कारनामा कर बैठे। बताते हैं कि तब राजा भैया का दिल मुलायम सिंह के लिए धड़क रहा था और मायावती के मन में राजा भैया के लिए टीस और तसल यही पैदा हुई। मायावती तब 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक 5 महीने भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाई और भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। पहले कल्याण सिंह और फिर मायावती ने राजा भैया को कुंडा का गुंडा बताकर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में राजा भैया को सुर्खियों में ला दिया था, लेकिन कुंडा में प्रवेश की कुंडी तो यह राजकुमार ही रहा। 1996 का यूपी विधानसभा चुनाव, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कुछ दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगने के बाद 1997 में बसपा और भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अनेखे फार्मूले पर 6-6 महीने वाले सीएम की सौगात दी। पहले मायावती मुख्यमंत्री बनी और फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुर्सी के लालच ने कुशल और कठोर प्रशासक कहे जाने वाले कल्याण को इस कदर कमजोर और लालची बना दिया कि उनकी नज़र में कभी गुंडे और माफिया कहे जाने वाले अब उन्हें मांगने लगने लगे। ये वही कल्याण सिंह थे जिन्होंने कभी कहा था गुंडा विहीन कुंडा करो ध्वज उठाए को हाथ का नारा दिया था। राजा भैया को पानी पी पीकर गुस्सा था और उनके मंत्रिमंडल की वो अब शोभा थे। अब इसे सत्ता की सियासत की विडंबना कहें या लोकतंत्र का लालची चरित्र जो सत्ता के लिए पल भर में किसी को गुंडा बना दे और दूसरे ही पल उस गुंडे को गले लगाकर उसकी गौरव गाथा गाए। तब से अब तक राजा भैया और उनकी तरह के तमाम सियासतदान इसकी बदनुमा मिसाल है। शायद यही वजह है कि राजा भैया ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1997 में कल्याण सिंह ने राजा भैया को इनाम के तौर पर अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। माना जाता है कि तब मायावती सरकार का तख्ता पलटने में राजा भैया ने पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के कई विधायकों, खासकर छत्री विधायकों को भाजपा सरकार के पक्ष में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त एक तरफ राजा भैया का सियासी रुतबा इस कदर परवान पर था कि 2002 तक भाजपा के तीनों मुख्यमंत्रियों कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में राजा भैया मंत्री बनते रहे। वहीं दूसरी तरफ राजा भैया मायावती के टारगेट पर आ चुके थे। 2002 में जब फिर विधानसभा चुनाव हुए तब भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, यानी जोड़ तोड़ वाली राजनीति का दौर अब भी थमा नहीं था।
अब इसे सियासी विडंबना ही कहेंगे कि जिस भाजपा ने तब मायावती की सरकार और उनकी पार्टी बसपा को जोड़ तोड़ से बेहाल किया था, उसी भाजपा ने मौका मिला तो 2002 में मायावती को फिर से समर्थन देकर सरकार बहाल करने में देर नहीं लगाई। इस बीच बदले सियासी हालात में मायावती के जहन में 1997 के तख्तापलट की यादें भी ताजा हो गई। उस दौरान बदले की भावना इस कदर बलवती थी कि 2003 में मायावती ने एक केस के सिलसिले में राजा भैया को पोटा, जी हां वही पोटा कानून जो किसी आतंकी पर लागू होता है, उसमें राजा भैया को निरुद्ध कर जेल में बंद कराया। और यहां से गौर करने वाली बात ये कि राजा भैया के खिलाफ अपहरण और धमकी के केस किसी और ने नहीं, भाजपा के ही एक क्षेत्रीय विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने दर्ज कराए थे। सियासत में पाला और पासा पलटने की तमाम मिसालों में यह एक मिसाल भर थी। 2003 में मायावती ने राजा भैया ही नहीं, उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह को भी जेल में भेज दिया। राजा भैया करीब 18 महीनों तक जेल में रहे। आरोप है कि राजा भैया को जेल में रहने के दौरान तमाम यातनाएं यंत्रणाएं दी गई। उन्हें गर्मी के दिनों में टिन शेड में रखा जाता था। उन्हें उनकी पत्नी तक से मिलने नहीं दिया जाता था। राजा भैया जब जेल में थे उसी दौरान उनके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन राजा भैया उनका मुंह तभी देख पाए जब अगस्त 2003 में मायावती सरकार बदली और राजा भैया जेल से बाहर आए। तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार में 2004 में राजा भैया मंत्री बन गए। माना जाता है कि मुलायम सिंह की सरकार बनाने में राजा भैया की उसी तरह बड़ी भूमिका थी जैसी 1997 में कल्याण सिंह की सरकार बनाने में रही। लेकिन 2007 में एक बार फिर मायावती की सरकार बनने के साथ ही राजा भैया की परेशानियां शुरू हो गई। फिर समय का पहिया घूमा और 2012 में फिर से सपा की सरकार बनने के बाद राजा भैया मंत्री बन गए। कई बार ताकत में आदमी दुस्साहसी हो जाता है, संयम खो देता है। यही हुआ राजा भैया के साथ। मार्च 2013 के कुंडा में तिहरे हत्याकांड, जिसमें डीएसपी जलालुल हक की हत्या हुई, उसमें नाम आने के बाद राजा भैया को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। हालांकि अक्टूबर 2013 में उन्हें क्लीन चिट मिलने के बाद फिर से वो मंत्री बन गए। इसी बीच 2019 में सपा बसपा गठबंधन होने के बाद मायावती और अखिलेश की नज़दीकियाँ राजा भैया को अखिलेश से दूर करती चली गई। और आज अखिलेश और राजा भैया के बीच की सियासी अदावत किसी से छुपी नहीं है। राजा भैया की बाहुबली छवि के पीछे उनकी बेती कोटी के पीछे सैकड़ों एकड़ में फैले तालाब और उसमें मगरमच्छ वाली स्टोरी में कितनी हकीकत और कितना फसाना है, ये अब तक कोई नहीं जान पाया। राजा भैया खुद ऐसे आरोपों से हतप्रभ रह जाते हैं और बार बार खारिज करते करते लेकिन ये सवाल पीछा नहीं छोड़ते। इस राजकुमार का इसके पीछे नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्रा हत्याकांड का मुद्दा है। कहा जाता है कि संतोष मिश्रा का स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था, जिसके बाद उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया और फिर उसी तालाब में फेंक दिया गया। खैर, अब तो तालाब और मगरमच्छ की कहानी पर खुद राजा भैया ही चटकारे लेते हैं। और राजा भैया इससे जुड़ा दिलचस्प किस्सा खुद बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव तक ने उनसे मगरमच्छ वाली स्टोरी के बारे में पूछा था कि क्या आप सचमुच मगरमच्छ पाले हुए हैं। पहले मायावती से अदावत और अब अखिलेश यादव से बगावत। समझ लीजिए कि राजा भैया में किसी से अदावत और बगावत उनके खून में हो। मायावती से 36 के आंकड़े की तमाम कहानियां हैं। एक वाक्या बहुत चर्चा में रहा। कहते हैं कि जब मायावती सरकार चली गई और मुलायम सिंह की सरकार बनी, तब जेल से बाहर आए राजा भैया से सवाल हुआ कि क्या वो मायावती के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। तब राजा भैया ने कहा था कि वो मायावती को छू कर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। 2019 के बाद अब अखिलेश के खिलाफ राजा भैया की बगावत और अदावत के किस्से आम हो गए। अखिलेश कुंडा में राजा भैया को कुंडी में कैद करने की बात कहते हैं तो राजा भैया का जवाब होता है कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में उन्हें चुनौती दे सके। अब बात इस पीढ़ी की तो छोड़िए, 7 पीढ़ियों तक की होने लगी है। बात चाहे काला कांकर रियासत की सियासी वारिस राजकुमारी रत्ना सिंह से हो या फिर ठेठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी से, राजा भैया ने दोनों के खिलाफ दिल और दिमाग दोनों से प्रतिद्वंदिता की। हालांकि प्रमोद तिवारी अब खुद कहते हैं कि राजा भैया के साथ उनकी सियासी रंजिश इतिहास है और हम दोनों इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। खैर, भद्री रियासत का किसी के साथ अदावत और बगावत की जो बानगी है यह नई नहीं है। जो राज परिवार कभी पंडित नेहरू का सबसे करीबी माना जाता था, लेकिन राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह के आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े होने के बाद नेहरू गांधी परिवार से दूरियां इतनी बढ़ी कि एक समय राजा उदय प्रताप सिंह ने आजाद भारत में इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था।
तब राजा भैया तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनौती देते हुए अपनी रियासत भद्री को भारत का स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी को कुंडा में सेना भेजनी पड़ी थी। कुंडा में उनके अक्खड़पन और तुनक मिजाजी के तमाम कहानियां हैं। अगर मुहर्रम के दिन ताजिया जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले हनुमान मंदिर पर भंडारा कराने को लेकर राजा उदय प्रताप सिंह को प्रशासन नजरबंद कर देता है, तो पर्यावरण प्रेमी उदय प्रताप के भद्री महल के अंदर गाड़ी स्टार्ट करके जाने की इजाजत उनके बेटे राजा भैया तक को नहीं है। हालांकि राजा भैया के पिता समाज और मानवता के प्रति सेवा के लिए तब सुर्खियों में आ जाते हैं जब तपती गर्मी में खुद धूप में बैठकर लोगों को रेलवे स्टेशन पर पानी पिलवाते हैं, तमाम जगहों पर प्याऊ लगवाते हैं। यही नहीं, उदय प्रताप के मनमौजीपन या अक्खड़पन की बात करते तो कहते हैं कि उन्होंने आज तक ना तो अपने बेटे के लिए वोट मांगा और ना ही दिया। कहते तो ये भी हैं कि राजा उदय प्रताप राजा भैया को ज्यादा पढ़ाने तक के खिलाफ थे। उनका मानना था इससे उनका बेटा बुजदिल हो जाएगा, लेकिन राजा भैया की मां उनसे बिल्कुल विपरीत राय रखती थी। ये राजा भैया का राजनीतिक रसूख ही है कि कुंडा ब्लॉक 1995 के बाद से सिर्फ दो बार, 2010 में जब मायावती की सरकार बनी थी और 2021 में जब योगी सरकार है तभी चुनाव की नौबत आई, नहीं तो हर बार राजा भैया का समर्थक निर्विरोध चुनाव जीतता रहा। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि चुनाव के बाद भी राजा भैया का आदमी यहां से चुनाव जीतता रहा है। कुंडा तहसील के दूसरे ब्लॉक में भी तकरीबन ऐसे ही हालात रहे, जहां राजा भैया ने जिस पर हाथ रख दिया समझ लीजिए उसको विजयश्री का आशीर्वाद मिल गया। वैसे राजा भैया हर बार बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते रहे, या यूं कहें कि हर बार खुद से ही अपना रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। 2017 में तो राजा भैया ने अकेले 68% वोट पाया और 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जीते। अब इसे कोई बाहुबल कहे या धनबल का नतीजा, ये उसकी अपनी मर्जी के हिसाब से व्याख्या हो सकती है। इसी तरह कुंडा के बगल में बाबागंज सीट पर भी राजा भैया का समर्थक ही चुनाव जीतता आ रहा है। दास्तां राजा भैया की दुश्मनी की हो या फिर दोस्ती की, ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। राजा भैया के एक दोस्त हैं अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी, ये भी राज परिवार से जुड़े हैं। दोनों के बीच दोस्ती ऐसे कि तमाम लोग उन्हें उनके परिवार का ही समझ बैठते हैं। राजा भैया के साथ अक्षय प्रताप की तमाम तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। अक्षय प्रताप सिंह ही वो शख्स हैं जिनके लिए राजा भैया की कालाकार राजघराने की राजकुमारी रत्ना सिंह से अदावत की चर्चा आज भी है, क्योंकि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट इस राज परिवार के ही कब्जे में रही है, जिसे राजा भैया ने चुनौती दी थी और अक्षय प्रताप सिंह को यहाँ से सांसद बनवाया। हालांकि बाद में ये कभी कांग्रेस कभी भाजपा के खाते में आती रही है। राजा भैया का एक बयान काफ़ी मशहूर भी है और वो बहुत कुछ बयां भी करता है। राजा भैया का तर्क है कि लोग उन्हें बड़ा गुंडा कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, लेकिन अगर वो अपने खौफ की वजह से पॉपुलर होते तो फिर दाऊद और वीरप्पन भी सरकारें बना रहे होते हैं। तो राजनीति के अंडरवर्ल्ड में आज राजा भैया पर कहानी है। इसके बाद फिर एक नए किरदार के साथ जल्द ही आपसे होगी मुलाकात।